जिहाद फी ये एक तकरीर है जो तेरह अप्रैल उन्नीस सौ उनतालीस को योम इकबाल के मौके पर टाउन हाल लाहौर में की गई थी अमूमन लफ्स जिहाद का तर्जमा अंग्रेजी जबान में होली वार मुकदस जंग किया जाता है और इसकी तशरी तश्रह तफसीर मुद्दत हाय दराज से कुछ इस अंदाज में की जाती रही कि अब ये लफ्स जोश जुनून का हम माने होकर रह गया है इसको सुनते ही आदमी की आंखों में कुछ इस तरह का नक्शा फिरने लगता है कि मजहबी दीवानों का एक गिरोह नंगी तलवारें हाथ में लिए दाढ़ियां चढ़ाए खूनखार आंखों के साथ अल्लाह अकबर के नारे लगाता हुआ चला आ रहा है जहां किसी काफिर को देख पाता है पकड़ लेता है और तलवार उसकी गर्दन पर रखकर कहता है कि बोल लाला ला ला वरना अभी सरतन से जुदा कर दिया जाता है माहरीन ने हमारी ये तस्वीर बड़ी कलमकारी के साथ बनाई है और उसके नीचे मोटे हरूफ में लिख दिया है कि बुए खू आती है इस कौम के अफसानों से लुत्फ ये है कि इस तस्वीर के बनाने वाले हमारे वो मेहरबान हैं जो खुद कई सदियों से इंतहा दर्जे की गैर मुकदस जंग अन होली वॉर में मशगूल है इनकी अपनी तस्वीर यह है कि दौलत और अकदार के भूखे हर किस्म के असलहे से मुसल्ला होकर कज्जाकों की तरह सारी दुनिया पर पल पड़े हैं और हर तरफ से तजारत की मंडियां खाम पैदावार के जखीरे नौ आबादियां बसाने की काबिल जमीने और मादनियात की काने ढूंढते फिरते हैं ताकि अपनी हिरस की कभी न बुझने वाली आग के लिए ईंधन फराहम करें। इनकी जंग खुदा की राह में नहीं बल्कि पेट की राह में है हवस और नफ्स अम्मा की राह में है इनके नजदीक किसी कौम पर हमला करने के लिए बस ये काफी वजह जवाब है कि उसकी जमीन में कान है या अजनास काफी पैदा होती है या वहां तेल निकल आया है या इनके कारखानों का माल वहां अच्छी तरह खपाया जा सकता है या अपनी जायद आबादी को वहां आसानी के साथ बसाया जा सकता है कुछ और नहीं तो इस कौम का ये गुना भी कोई मामूली गुना नहीं है कि वो किसी ऐसे मुल्क के रास्ते में रहती है जिस पर ये पहले कब्जा कर चुके हैं या अब कब्जा करना चाहते हैं हमने तो जो कुछ किया वो जमाने माजी का किस्सा है और इनके कारनामे हाल के वाकयात हैं जो शब रोज दुनिया की आंखों के सामने गुजर रहे हैं एशिया अफ्रीका यूरोप अमरीका गरज कुर्रा जमीन का कौन सा हिस्सा बचा रह गया है जो इनकी इस गैर मुकदस जंग से लालाजार नहीं हो चुका मगर इनकी महारत काबिल दाद है उन्होंने हमारी तस्वीर इतनी भयानक और इतनी बुरी बनाई कि खुद उनकी तस्वीर उसके पीछे छुप गई और हमारी सादा लोही भी काबिल दाद है जब हमने गैरों की बनाई हुई अपनी ये तस्वीर देखी तो ऐसे दहशत जदा हुए कि हमें इस तस्वीर के पीछे झाँक कर खुद मसवरों की सूरत देखने का होश ही न आया और लगे माजरत करने कि हुजूर भला हम जंगों के ताल क्या जाने हम तो भख्शुओं और पादरियों की तरह पुरमन मुबलग लोग है चंद मजहबी अकायद की तरदीद करना और इनकी जगह कुछ दूसरे अकायद लोगों से तस्लीम करा लेना बस ये हमारा काम है हमें तलवार से क्या वास्ता अलबत् इतना कसूर कभी कभार हमसे जरूर हुआ है कि जब कोई हमें मारने आया तो हमने भी जवाब में हाथ उठाया सो अब तो हम इससे भी तोबा कर चुके हैं हुजूर की तमानीनत के लिए तलवार वाले जिहाद को सरकारी तौर पर मनसूख कर दिया है अब तो जिहाद फकत जबान कलम की कोशिश का नाम है तो पर बंदूक चलाना सरकार का, का काम है और जबान और कलम चलाना हमारा काम जिहाद के मुताल गलत फहमी के इस्बाब खैर यह तो सियासी चालों की बात है मगर खालस इलमी हैसियत से है, हम इन इस्बाब का तजिया करते हैं जिनकी वजह से जिहाद फी सबीदिल्ला की हकीकत को समझना गैर मुस्लिमों ही के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए भी दुशवार हो गया है तो हमें दो बड़ी और बुनियादी गलत फहमियों का सुराग मिलता है पहली गलत फहमी यह है कि इस्लाम को इन मानों में एक मजहब समझ लिया गया है जिनमें यह लफ्सम बोला जाता है दूसरी गलत फहमी यह है कि मुसलमानों को इन मानों में महज एक कौम समझ लिया गया है जिनमें यह लफ्स अमूमन मुस्तमिल है इन दो गलत फहमियों ने सिर्फ एक जिहाद ही के मसले को नहीं बल्कि मजमू हैसीयत से पूरे इस्लाम के नक्शे को बदल डाला है और मुसलमानों की पोजीशन कुल्ली तौर पर गलत करके रखती है मजहब के माना आम असलाह के एतबार से बजूस इसके और क्या है कि वो चंद अकायद और इबादात और मरासिम का मजमु होता है इस माना के लिहाज से मज़हब को वाकई एक प्राइवेट मामला ही होना चाहिए आपको इख्तियार है कि जो अकीदा चाहे रखे और आपका जमीर जिसकी इबादत करने पर राजी हो इसको जिस तरह चाहे पुकारें ज्यादा से ज्यादा अगर कोई जोश और सरगर्मी आपके अंदर इस मजहब के लिए मौजूद है तो आप दुनिया भर में अपने अकायद की तबलीग करते फिरिए और दूसरे अकायद वालों से मुनाजरे कीजिए इसके लिए तलवार हाथ में पकड़ने का कौन सा मौका है क्या आप लोगों को मार मार कर अपना कैदा बनाना चाहते हैं ये सवाल लाजमी तौर पर पैदा होता है जबकि आप इस्लाम को आम अतलाह की रूह से एक मजहब करार दे और ये पोजीशन अगर वाकई इस्लाम की हो तो जिहाद के लिए हकीकत में कोई वजह जवाब साबित नहीं की जा सकती इसी तरह कौम के माने इसकी सिवा क्या है कि वह एक मतजानिस ग्रोही अश होमोजीनियस ग्रुप ऑफ मैन का नाम है जो चंद बुनियादी उमूर में मुश्तरक होने की वजह से बाहम मुशतमा और दूसरे ग्रोहों से मुमताज हो गया हो इस माना में जो ग्रोह एक कौम हो वो दो ही वजूह से तलवार उठाता है और उठा सकता है या तो इसके जायज हुकूक छीनने के लिए कोई इस पर हमला करे या वो खुद दूसरों के जायज हकूक छीनने के लिए हमलावर हो पहली सूरत में तो खैर तलवार उठाने के लिए कुछ न कुछ अखलाकी जवाब भी मौजूद है अगरचे बाज धर्म के नजदीक ये भी नाजायज है लेकिन दूसरी सूरत को बाज डिक्टेटरों के सिवा कोई भी जायज करार नहीं दे सकता हत्या के बर्तानिया और फ्रांस जैसी वसी सल्तनतों के मुदबरीन भी आज इसको जायज कहने की जरूरत नहीं रखते जिहाद की हकीकत बस अगर इस्लाम एक मजहब और मुसलमान एक कौम है तो जिहाद की सारी मानवीय जिसकी बिना पर इस्लाम में उसे अफजल इबादात कहा गया है सिरे से खत्म हो जाती है लेकिन हकीकत यह है कि इस्लाम किसी मजहब का और मुसलमान किसी कौम का नाम नहीं है दरअसल इस्लाम एक इनकलाबी नजरिया मसलक है जो तमाम दुनिया के इज्तमाही नज्मशन को बदलकर अपने नजरिया व मसलक के मुताबिक उसे तामीर करना चाहता है और मुसलमान इस बैन अवी इंकलाबी जमात इंटरनेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी का नाम है जिसे इस्लाम अपने मतलूबा इंकलाबी प्रोग्राम को अमल में लाने के लिए मुनजम करता है और जिहाद इस इनकलाबी जुदोजोद जुद जुद, रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल का और इंतहाई सरफे ताकत का नाम है जो इस मकसद को हासिल करने के लिए इस्लामी जमात अमल में लाती है तमाम इनकलाबी मसलकों की तरह इस्लाम में आम मुर्वज अल्फाज को छोड़कर अपनी एक खास असलाही जबान टर्मिनोलॉजी इख्तियार करता है ताकि इसके इनकलाबी तस्वूर आम तस्वुरा से मुमताज हो सकें लफ् जिहाद भी इसी मखसूस असलाही जबान से ताल्लुक रखता है इस्लाम ने हर्ब और इसी नोयत के दूसरे अल्फ़ाज़ जो जंग वार के मफोम को अदा करते हैं कसदन तर्क कर दिए हैं और इनकी जगह जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल किया जो स्ट्रगल का हम माना है मगर इससे ज्यादा मुबालगा रखता है अंग्रेजी में इसका सही मफहम यू अदा किया जा सकता है अपनी तमाम ताकतें किसी मकसद की तहसील में सर्फ कर देना सवाल यह है कि पुराने अल्फाज को छोड़कर यह नया लफ्ज क्यों इख्तियार किया गया इसका जवाब बजस इसके और कुछ नहीं कि जंग का लफ्ज कौमों और सल्तनतों की उन लड़ाइयों के लिए इस्तेमाल होता था और आज तक हो रहा है जो अशास या जमातों की नफसानी अगराज के लिए लड़ी जाती हैं इन लड़ाइयों के महारक महज ऐसे शख्सी या इजमाही मकासद होते हैं जिनके अंदर किसी नजरिए और किसी उसूल की हिमायत का शायबा तक नहीं होता इस्लाम की लड़ाई चूंकि इस नौीयत की नहीं है इसलिए वो सिरे से इस लफ्ज़ ही को तर्क कर देता है इसके पेश नजर एक कौम का मफाद दूसरी कौम का नुकसान नहीं है वो इससे कोई दिलचस्पी नहीं रखता कि जमीन पर एक सल्तनत का कब्जा रहे या दूसरी सल्तनत का इसकी दिलचस्पी जिससे है वह इंसानियत की फलाह है इस फलाह के लिए वो अपना एक खास नजरिया और एक अमली मसलक रखता है इस नजरिए और मसलक के खिलाफ जहां जिसकी हुकूमत भी है इस्लाम उसे मिटाना चाहता है कतः नजर इससे कि वो कोई कौम हो और कोई मुल्क हो इसका मुद्दा और अपने नजरिए और मसल की हुकूमत कायम करना है बिला लिहाज इसके के कौन इसका झंडा लेकर उठता है और किसकी हुक्मरानी पर उसकी जर पड़ती है वो जमीन मांगता है जमीन का एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरा कर्र जमीन इसलिए नहीं कि एक कौम या बहुत सी कौमों के हाथ से निकलकर जमीन की हुकूमत किसी खास कौम के हाथ में आ जाए बल्कि सिर्फ इसलिए कि इंसानियत की फलाह का जो नजरिया और प्रोग्राम उसके पास है या बाल्फाज सही तर यूं कहिए कि फलाह इंसानियत के जिस प्रोग्राम का नाम इस्लाम है इससे तमाम नीतमद हो इस गरज के लिए वो इन तमाम ताकतों से काम लेना चाहता है जो इनकलाब बर्पा करने के लिए कारगर हो सकती हैं और इन सब ताकतों के इस्तेमाल का एक जाम नाम जिहाद रखता है जबानो कलम के जोर से लोगों के नुक़ नजर को बदलना और इनके अंदर जहनी इनकलाब पैदा करना भी जिहाद है तलवार के जोर से पुराने जालिमाना निज़ाम जिंदगी को बदल देना और नया आदिलाना निज़ाम मुरतब करना भी जिहाद है और इसी राह में माल सर्फ करना और जिसम से दौड़ धूप करना भी जिहाद है फी सबीर के लाजमी कैद लेकिन इस्लाम का जिहादा जिहाद नहीं है जिहाद फी सबीर है फी सबीर की कैद इसके साथ एक लाजमी कैद है ये लफ्स भी इस्लाम के इसी मखसूस असलाही जबान से ताल्लुक रखता है जिस तरफ अभी मैं इशारा कर चुका हूं इसका लफ्जी तर्जमा है राहे खुदा में इस तर्जमे से लोग गलत फहमी में पड़ गए और ये समझ बैठे जबरदस्ती लोगों को इस्लाम के मजहबी अकायद के पैरों बनाना जिहाद से दिल्ला है क्योंकि लोगों के तंग दिमागों में राहे खुदा का कोई मफूम इसके सिवा नहीं समा सकता मगर इस्लाम की जबान में इसका मफूम बहुत वसी है हर वो काम जो इज्तमाही फलाहो बहबूद के लिए किया जाए और जिसके करने वाले का मकसद इससे खुद कोई दुनियावी फायदा न उठाना हो बल्कि महज खुदा की खुशनूदी हासिल करना हो इस्लाम ऐसे काम को फी सबीदिल्लाह करार देता है मिसाल के तौर तो पर अगर आप खैरात देते हैं तो इस नीयत से कि किसी दुनिया में मादी या अखलाकी तौर तो पर इस खैरात का कोई फायदा आपकी तरफ पलट के आए तो यह फी सबी नहीं है और अगर खैरात से आपकी नीयत यह है कि गरीब इंसान की मदद करके आप खुदा की खुशनूदी हासिल करें तो यह फी सबी है बस ये असलाह मखसूस है ऐसे कामों के लिए जो कामिल खलूस के साथ हर किस्म की नफसानी अगराज से पाक होकर इस नजरिए पर किए जाए कि इंसान का दूसरे इंसानों की फलाह के लिए काम करना खुदा की खुशनुदी का मौजिब है और इंसान की जिंदगी का नस्बुलय मालिक कायनात की खुशनुदी हासिल करने के सिवा कुछ नहीं जिहाद के लिए भी फी फीसबीर की कैद इसी गरज के लिए लगाई गई है इसका मतलब यह है कि कोई शख्स या गिरोह जब निजाम जिंदगी में इनकलाब बर्पा करने और इस्लामी नजरिए के मुताबिक नया निज़ाम मुरतब करने के लिए उठे तो इस क्याम और सरबाजी वानसारी में इसको अपनी कोई नफसानी गरज ना हो उसका यह मकसद हरगज़ ना हो कि कैसर को हटाकर वो खुद कैसर बन जाए अपनी ज़ात के लिए माल और दौलत या शोहरत नामवरी या इज्जत व जा हासिल करने का शायबा तक उसकी जदोजोहद के मकासद में शामिल न हो इसकी तमाम कुर्बानियों और सारी मेहनतों का मुद्दा सिर्फ ये हो बंदगा खुदा के दरमियान एक आदिलाना निज़ाम जिंदगी कायम किया जाए इसके मुआवजे में उसे खुदा की खुशनूदी के सिवा कुछ भी मतलूब न हो। होदी अमनु वल्लादीन कफरु यु खातिलू नफी सबी तागूत जो लोग ईमान लाए हैं वो खुदा की राह में लड़ते हैं और जो काफिर हैं वो तागूत की राह में लड़ते हैं तागूत का मसदर त्यान है जिसके माना हद से गुजर जाने के हैं दरिया जब अपनी हद से गुजर जाता है तो आप कहते हैं कि तुगयानी आ गई है इसी तरह जब आदमी अपनी जायज हद से गुजर कर इस गरज के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करता है कि इंसानों का खुदा बन जाए या अपने मुनासिब हिस्से से जायद हासिल कर ले तो यह ताबूत की राह में लड़ना है और इसके मुकाबले में राह खुदा की जंग वो है जिसका मकसद सिर्फ ये हो कि खुदा का कानून आदल दुनिया में कायम हो लड़ने वाला खुद भी इसकी पाबंदी करे और दूसरों से भी इसकी पाबंदी कराये चुनाच कुरान कहता है तिलकदार आखिरत में इज्जत का मकाम तो हमने सिर्फ उन लोगों के लिए रखा है जो जमीन में अपनी बड़ाई कायम करना और फसाद करना नहीं चाहते आकेबत की कामयाबी सिर्फ खुदा तर्स लोगों के लिए है हदीस में आया है कि एक शख्स ने रसूल सल्लाह से दरियाफ्त किया राह खुदा की जंग से क्या मुराद है एक शख्स माल के लिए जंग करता है दूसरा शख्स बहादरी की शोहरत हासिल करने के लिए जंग करता है तीसरे शख्स को किसी से अदावत होती है या कौमी हमीयत का जोश होता है इसलिए जंग करता है इनमें से किसकी जंग फी सबीर है आ हजरत सल्लाह ने जवाब दिया किसी की भी नहीं फी सबीर तो सिर्फ उस शख्स की जंग है जो खुदा का बोलबाला करने के सिवा कोई मकसद नहीं रखता एक दूसरी हदीस में है कि अगर किसी शख्स ने जंग की और उसके दिल में ऊंट बांधने की एक रस्सी हासिल करने की भी नीयत हो तो उसका अजर ज़ाया हो गया अल्लाह सिर्फ उस अमल को कबूल करता है जो महज उसकी खुशनूदी के लिए हो और कोई शख्स या जमाती गर्ज पेश नजर न हो बस जिहाद के लिए फ़ी सबीर की कैद इस्लामी नुक़ नजर से खास अहमियत रखती है मुजर्र जिहाद तो दुनिया में सभी जानदार करते हैं हर एक अपने मकसद की तहसील के लिए पूरा जोर सर्फ कर रहा है लेकिन मुसलमान जिस इनकलाबी जमात का नाम है इसके इनकलाबी नजरियात में से एक अहम तरीन नजरिया बल्कि बुनियादी नजरिया ये है कि अपनी जानो माल खपाओ दुनिया की सारी सरकश ताकतों से लड़ो अपने जिसम रूह की सारी ताकतें खर्च कर दो न इसलिए कि दूसरे सरकशों को हटाकर तुम उनकी जगह ले लो बल्कि सिर्फ इसलिए कि दुनिया से सरकशी और तुयान मिट जाए और खुदा का कानून का दुनिया में नाफिज हो जिहाद के इस मफहूम और फी सबील्लाह की इस मानवीय को मुख्तसर बयान कर देने के बाद मैं इस दावत इनकलाब की थोड़ी सी तशरीह करना चाहता हूं जो इस्लाम लेकर आया है ताकि आसानी के साथ ये समझा जा सके किस दावत के लिए जिहाद की हाजत क्या है और इसकी गायत ऑब्जेक्टिव क्या है इस्लाम की दावत इनकलाब इस्लाम की दावत इंकलाब का खुलासा यह है या युहन्ना युना सब रबी खला ककुम लोगो सिर्फ अपने रब की बंदगी करो जिसने तुम्हें पैदा किया है इस्लाम मजदूरों या जमींदारों या काश्तकारों या कारखाना दारों को नहीं पुकारता बल्कि तमाम इंसानों को पुकारता है इसका खिताब इंसान से बहसीत इंसान है और वो कहता है कि अगर तुम खुदा के सिवा किसी की बंदगी उतात और फर्माबरदारी करते हो तो उसे छोड़ दो अगर खुद तुम्हारे अंदर खुदाई का दाइया है तो उसे भी दिमाग से निकाल दो क्योंकि दूसरों से अपनी बंदगी कराने और दूसरों का सर अपने आगे झुकवाने का हक भी तुम में से किसी को हासिल नहीं है तुम सबको एक खुदा की बंदगी कबूल करनी चाहिए और इस बंदगी में सबको एक सतह पर आ जाना चाहिए ऐसी बात पर जमा हो जाए जो हमारे और तुम्हारे दरम्यान यकसा हैं वो ये कि हम खुदा के सिवा किसी की बंदगी न करें और खुदाबंदी में किसी को खुदा का शरीक भी न ठहराएं और हम में से कोई किसी को खुदा के बजाय अमरो नहीं का मालिक भी ना बनाए यह आलमगीर और कुल्ली इनकलाब की दावत थी इसने पुकार कर कहा कि सिवाय खुदा के और किसी की नहीं है किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि बजाते खुद इंसान का हुक्मरान बन जाए और अपने अख्तियार से जिस चीज का चाहे हुक्म दे और जिस चीज से चाहे रोक दे किसी इंसान को बिजात अमरो नहीं का मालिक समझना दरअसल खुदाई में उसे शरीक करना है और दुनिया में यही असल बिनाए फसाद है अल्लाह ने इंसान को जिस सही फितरत पर पैदा किया है और जिंदगी बसर करने का जो सीधा रास्ता उसे बताया है इससे इंसान के हटने की वजह सिर्फ यह है कि लोग खुदा को भूल जाते हैं और नतीजतन खुद अपनी हकीकत को भी फरामोश कर देते हैं इसका अंजाम फिर लाजमी तौर पर यही होता है कि एक तरफ बाज अश या खानदान या तबके खुदाई का खुला या छुपा दाइया लेकर उठते हैं और अपनी ताकत से नाजायज फायदा उठाकर लोगों का अपना बंदा बना लेते हैं और दूसरी तरफ इस खुदा फरामोशी और खुद फरामोशी का नतीजा यह भी होता है कि लोगों का एक हिस्सा ताकतवरों की खुदाबंदी मान लेता है और इसके इस हक को तस्लीम कर लेता है कि वह हुक्म करें और ये हुक्म के आगे सर झुका दें यही दुनिया में जुल्म फसाद और नाजायज इंतफा एक्सप्लाइटेशन की बुनियाद है और इस्लाम पहली ज़र्ब इसी पर लगाता है वो हांके पुकारे कहता है कि लतुती अम्र अल मुसरफीन अल्लादीन युफसिदू नफिल अर्दी वला युसल इन लोगों का हुक्म हरगिज न मानो जो अपनी जायज हद से गुजर गए हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं और इसलाह नहीं करते लोते मन अगफल न कल बहु अन जिक्रीना व तबाह हवा इस शख्स की इतात हरगिज न कर जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और जो अपनी ख्वाहिश नफ्स का बंदा बन गया है और जिसका काम इफरात तफरीत पर मबनी है अलामीन खुदा की लानत उन जालिमों पर जो खुदा के बनाए हुए जिंदगी के सीधे साधे रास्ते में रुकावटें डालते हैं और इसको टेढ़ा करना चाहते हैं वो लोगों से पूछता है कि अरबाबर खैर कहार बहुत से छोटे बड़े खुदा जिनकी बंदगी में तुम पिसे जा रहे हो इनकी बंदगी कबूल है या सिर्फ एक खुदा की जो सबसे जबरदस्त है अगर इस खुदाए वाहिद की बंदगी कबूल न करोगे तो इन छोटे और झूठे खुदाओं की आकाई से तुम्हें कभी नजात न मिल सकेगी ये किसी न किसी तौर पर तुम पर तसल्लुत पाएंगे और फसाद बर्पा करके ही रहेंगे इन नाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो इसके निजाम हयात को तहोबाला कर डालते हैं और इसकी इज्जत वालों को जलील कर देते हैं और इनका यही वतीरा है वह साफी

जिसमें आम तौर पर मजहबी अकायद की दावत हुआ करती है बल्कि हकीकत में ये एक इन्कलाब, सोशल रेवोल्यूशन की दावत थी इसकी जर्ब बिला उन तबकों पर पड़ती थी जिन्होंने मजहबी रंग में प्रोहत बनकर या सियासी रंग में बादशाह और रईस और हुक्मरान बनकर या मुआशी रंग में महाजन और जिम्मेदार और इजारा बनकर आमत को अपना बंदा बना लिया था यह कहीं आलानिया अरबाबंदून अल्लाह बने हुए थे दुनिया से अपनी पैदायशी या तबकाती हकूक की बिना पर मुतालबा करते थे और साफ कहते थे मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ अनाद मैं जिंदा करता हूँ और मारता हूँ मन अशद्द मिन ना हमसे बढ़कर ताकतवर कौन है और किसी जगह उन्होंने आमत उन्नास की जहालत को इस्तेमाल एक्सप्लाइट करने के लिए बुतों और हैकलों की शक्ल में मसनू खुदा बना रखे थे जिनकी आड़ पकड़कर ये अपने खुदाबंदी हकूक बंदगा खुदा से तस्लीम कराते थे पसकुफर शिरक और, और बुतपरस्ती के खिलाफ इस्लाम की दावत और खुदा वाहिद की बंदगी अबूदियत के लिए इस्लाम की तबलीग बराह रास्त हुकूमत और इसको सहारा देने वाले इसके सहारे चलने वाले तबकों की अगराज से मुतदम होती थी इसी वजह से जब कभी किसी नबी ने या कौम अब इलाहन गईरू की सजा बुलंद की हकूमत वक्त फौरन इसके मुकाबले में आंध खड़ी हुई और तमाम नाजायज इंतफा करने वाले तबके इसकी मुखालफत पर कमर बस्ता हो गए क्योंकि यह महज एक माबादुल तबी खजिया मेटाफिकल प्रोपोजीशन का बयान न था बल्कि एक इजमाई इनकलाब का ऐलान था और इसमें पहली आवाज सुनते ही सियासी शोरिश की बू सूंघ ली जाती थी इस्लामी दावत इनकलाब की खसूसियत इसमें शक नहीं कि अम्बिया सब के सब इनकलाबी लीडर थे और सयदना मोहम्मद सल्ला सबसे बड़े इनकलाबी लीडर हैं लेकिन जो चीज़ दुनिया की आम इनकलाबियों और इन खुदाप्रस्त इनकलाबी लीडरों के दरमियान वाज ख़ ख़त इम्तियाज खेचती है वो ये है कि दूसरे इनकलाबी लोग खा कितने ही नेक नीयत क्यों ना हो अदल और तवस्त के सही मकाम को नहीं पा सकते वो या तो खुद मजलूम तबकों में से उठते हैं या उनकी हिमायत का जज्बा लेकर उठते हैं और फिर सारे मामला को इन्हीं तबकों के नुक़ नजर से देखते हैं इसका कुदरती नतीजा ये होता है कि उनकी नज़र गैर जानबदाराना और खालिस इंसानियत की नज़र नहीं होती बल्कि एक तबके की तरफ हमायत का जज्बा लिए हुए होती हैं वो जुल्म का ऐसा इलाज सोचते हैं जो नतीजतन एक जवाबी जुल्म होता है इनके लिए इंतकाम हसद और अदावत के जज्बात से पाक होकर एक ऐसा मतदिल और मुतवाजन इज्तमाहीज़ाम तजवीज करना मुमकिन नहीं होता जिसमें मज़मुई तौर पर तमाम इंसानों की फलाह हो बखिलाफिस के अंबिया खा कितने ही सताए गए हों और खा कितना ही उन पर और उनके साथियों पर म किया गया हो उनकी इनकलाबी तहरीक ने कभी इनके शख्सी जज्बात का असर नहीं पाया वो बरह रास्त खुदा की हिदायत के तहत काम करते थे और खुदा चूंकि इंसानी जज्बा से मुनजा है किसी इंसानी तबके से इसका मखसूस रिश्ता नहीं न किसी दूसरे इंसानी तबके से इसको कोई शिकायत यादावत है इसलिए खुदा की हिदायत के तहत अंबिया आलम तमाम मामला को बेलाग इंसाफ के साथ इस नजर से देखते थे कि तमाम इंसानों की मजमू फलाह व बहबूद किस चीज में है किस तरह एक ऐसा निजाम बनाया जाए जिसमें हर शख्स अपनी जायज हदूद के अंदर रह सके अपने जायज हकूक से मतमद हो सके और अफराद की बाहमी रवाबित नीज फर्द और जमात के बाहमी तल्लुक में कामिल तोन कायम हो सके यही वजह है कि अंबिया आलम की इनकलाबी तहरीक कभी तबकाती नजा क्लास वार में तब्दील न होने पाई तामीर नौ सोशल रिकन्स्ट्रक्शन इस तर्ज पर नहीं हुई कि एक तबके को दूसरे तबके पर मुसलत कर दें बल्कि इसके लिए अदल का ऐसा तरीका इख्तियार किया जिसमें तमाम इंसानों के लिए तरक्की और मादी और रूहानी स के यकस इम्कान रखे गए थे जिहाद की जरूरत और उसकी गायत इस मकाले में मेरे लिए उस इजतमाही नज़ाम सोशल ऑर्डर की तफसी पेश करना मुश्किल है जो इस्लाम ने तजवीज़ किया है तफसील का मौका इनशाकब आएगा यहां अपने मौजू की हद में रहते हुए जिस बात को मुझे वाज करना था वो सिर्फ ये थी कि इस्लाम महज एक मजहबी अकीदा और चंद इबादात का मजमु नहीं है बल्कि वो एक सिस्टम है जो दुनिया से जिंदगी के तमाम ज़ालमाना और मुफ्दाना निज़ाम को मिटाना चाहता है और इनकी जगह अपना एक इसलाही प्रोग्राम नाफिस करना चाहता है जिसको वो इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए सबसे बेहतर समझता है इस तकरीबोता और इनकलाब असलाह के लिए वो किसी एक कौम या गिरोह को नहीं बल्कि तमाम इंसानों को दावत देता है वो खुद इन ज़ालिम तबकों और नाजायज इंतफा करने वाले गिरोहों हती के बादशाहों और रईसों को भी पुकारता है कि आओ इस जायज़ हद के अंदर रहना कबूल कर लो जो तुम्हारे खालिक ने तुम्हारे लिए मुकर की है अगर तुम अदल और हक के निजाम को कबूल कर लोगे तो तुम्हारे लिए अमन सलामती है यहां किसी इंसान से दुश्मनी नहीं है दुश्मनी जो कुछ भी है जुल्म से है फसाद से है बद अखलाकी से है इस बात से है कि कोई शख्स अपनी फितरी हद से तजावज करके वो कुछ हासिल करना चाहे जो फितरतुल्ला के लिहाज से उसका नहीं है ये दावत जो लोग भी कबूल कर लें वह खी तबके किसी नस्ल किसी कौम और किसी मुल्क के हो यसा हकूक और हैसियत से इस्लामी जमात के रुकन बन जाते हैं और इस तरह वो बैन अवी इनकलाबी पार्टी तैयार हो जाती है जिसे कुरान हिजबुल्लाह के नाम से याद करता है और जिसका दूसरा नाम इस्लामी जमात या उम्मत मुस्लिमा है ये पार्टी वजूद में आती ही अपने मकसद वजूद की तहसील के लिए जहाज शुरू कर देती है इसके ऐन वजूद की अखजा यही है कि यह गैर इस्लामी निज़ाम की हुक्मरानी को मिटाने की कोशिश करे और इसके मुकाबले में तमदन व अजमा के उस मतदिल व मतवाजन जब्ता की हुकूमत कायम करे जिसे कुरान एक जाम लफ्स क़लिमतुल्लाह से ताबीर करता है अगर ये पार्टी हुकूमत को बदलने और इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम करने की कोशिश न करे तो इसके वजूद में आने का मकसद ही फौत हो जाता है क्योंकि ये किसी और मकसद के लिए बनाई ही नहीं गई और इस जिहाद के सिवा इसकी हस्ती का और कोई मसरफ ही नहीं है कुरान इसकी पैदाइश का एक ही मकसद बयान करता है और वो ये है कुन्म खैरा उम्मन उखर जतना बिल मारूफ व तन अनिल मुनकर व तुमिनबिल्ला तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे नोए इंसानी के लिए निकाला गया है तुम नेकी का हुक्म देते हो बदी से रोकते हो और खुदा पर ईमान रखते हो ये मजहबी तबलीग करने वाले वायज़ीन प्रीचर्स और मुबरीन मिशनरीज की जमात नहीं है बल्कि खुदाई फौजदारों की जमात है लेतदनास और इसका काम यह है कि दुनिया से जुल्म फितना, फसाद बदखलाकी तुगयानी और नाजायज इंतफा को बजोर मिटा दे अरबाब मिन्दून अल्लाह की खुदाबंदी को खत्म कर दे बदी की जगह नेकी कायम करे

कर हल मुशरक वो खुदा ही है जिसने अपने रसूल को दुनिया में जिंदगी बसर करने का सीधा रास्ता और हक की इतात का सही जब्ता देकर भेजा है ताकि तमाम इतातों को मिटाकर इसी एक इतात को सब पर गालिब कर दे ख लोग इस पर राजी न हों, जो खुदाबंदी में दूसरों को शरीक ठहराते हैं लिहाजा इस पार्टी के लिए हुकूमत के इकतदार पर कब्जा किए बगैर कोई चारा नहीं है क्योंकि मुफ्दाना निज़ाम तमदन एक फासिद हुकूमत के बल पर कायम होता है और एक साल निजाम तमदन उस वक्त तक किसी तरह कायम नहीं हो सकता जब तक के हुकूमत मुफदीन से मसलूब होकर मुसलहन के हाथ में न आ जाए दुनिया की असलाह से कतः नजर इस जमात के लिए खुद अपने मसलक पर आमिल होना भी गैर मुमकिन है अगर हुकूमत के निजाम किसी दूसरे मसलक पर कायम हो कोई पार्टी जो किसी सिस्टम को बरहक समझती हो किसी दूसरे सिस्टम की हुकूमत में अपने मसलक के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं कर सकती एक इश्तराकी मसलक का आदमी अगर इंग्लिस्तान या अमरीका में रहकर इश्तराकियत के मुताबिक जिंदगी बसर करना चाहे तो किसी तरह अपने इस इरादे में कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि सरमायादाराना निज़ाम का जब्ता हयात हुकूमत की ताकत से बजबर उस पर मुसलत होगा और वो इसकी कहरमानी से किसी तरह बच न सकेगा इसी तौर पर एक मुसलमान भी अगर किसी गैर इस्लामी निज़ाम हुकूमत में रहकर इस्लामी उसूल पर जिंदगी बसर करना चाहे तो इसका कामयाब होना महाल है जिन कवान को वह बातिल समझता है जिन टैक्सों को वह हराम समझता है जिन मामलात को वह नाजायज समझता है जिस तहजीब और जिस तर्ज जिंदगी को वह फासिल समझता है जिस तरीके तालीम को वह महलिक समझता है वह सब के सब इस पर इसके घरबार पर इसकी औलाद पर इस तरह मुसलत हो जाएंगे कि वो किसी तरह इनकी गिरफ्त से बचकर ना निकल सकेगा लिहाजा जो शख्स या गिरोह किसी मसलक पर एतकाद रखता हो वो अपने एतक़ाद के फितरी इक्तदा ही से इस अमर पर मजबूर होता है कि मसल के मुखालिफ की हुकूमत को हटाने और अपने मसल की, की हुकूमत कायम करने की कोशिश करे क्योंकि मुखालफ नजरिए की हुकूमत मुसलत हो तो इस सूरत में वो खुद अपने मसलक पर अमल नहीं कर सकता अगर वो इस कोशिश से गफलत बरतता है तो इसका सरीह मतलब यह है कि वो दर हकीकत अपने ही अकायद में झूठा है अफल ला खुदा करे। इन लोगों को जिहाद की शिरकत से अलहदा रहने की इजाजत क्यों दे दी तुम्हे इजाजत न देनी चाहिए थी ताकि ये बात तुम पर खुल जाती कि अपने ईमान में सच्चे कौन है और झूठे कौन जो लोग अल्लाह और योम आखिर पर ईमान रखते हैं वो तो कभी तुमसे ये दरख्वास्त नहीं कर सकते कि उन्हें अपने माल और जान के साथ जिहाद करने से माजूर रखा जाए ऐसी दरख्वास्त तो सिर्फ वही लोग करते हैं जो न खुदा पर ईमान रखते हैं और न योम आखिरत पर इन अल्फाज में कुरान ने साफ और सरी फतवा दे दिया है कि अपने एतकाद कन्विक्शन में किसी जमात के सादक होने का वाहिद मैार यही है कि वो जिस मसलक पर एतकाद रखती हो इसको हुक्मरान बनाने के लिए जानो माल से जिहाद करे अगर तुम मसल के मुखालिफ की हुकूमत को गवारा करते हो तो ये इस बात की दलील है कि तुम अपने एतखाद में झूठे हो और इसका फित्री नतीजा यही है और यही हो सकता है कि आखिरकार इस्लाम के मसलक पर तुम्हारा नाम निहाद अकीदा भी बाकी न रहेगा इब्तदा में तुम मसल के मुखालिफ की हकूमत को बकराहत गवारा करोगे फिर रफ्ता रफ्ता तुम्हारे दिल इससे मानूस होते चले जाएंगे, यहां तक कि कराहत रगबत से बदल जाएगी और आखिर में नौबत इस हद तक पहुंचेगी कि मसल के मुखालिफ की हुकूमत कायम होने और कायम रहने में तुम खुद मददगार बनोगे अपनी जानो माल से जिहाद इसलिए करोगे कि मसल के इस्लाम के बजाय मसल गैर इस्लाम कायम हो या कायम रहे तुम्हारी अपनी ताकतें मसल के इस्लाम के क्याम की, की मुजाहमत में सर्फ होने लगेंगी और यहां पहुंचकर में और काफिरों में इस्लाम के मुनाफिकाना दावा एक बदतरीन झूठ एक पुरफरेब नाम के सिवा कोई फर्क न रहेगा हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नतीजे को साफ साफ बयान फरमा दिया है वल्ल नफ्सी बद ही लता मुरुन बिल मारूफ वन अनिल मुन्नकर यदल मुसीई

के बदकारों के दिलों का असर तुम्हारे दिलों पर भी पड़ जाए और इनकी तरह तुम भी मलऊन होकर रहो आलमगीर इनकलाब इस बहस से आप पर यह बात वाजे हो गई होगी कि इस्लामी जिहाद का मकसूद ऑब्जेक्टिव गैर इस्लामी निजाम की हुकूमत को मिटाकर इस्लामी हुकूमत कायम करना है इस्लाम यह इंकलाब सिर्फ एक मुल्क या चंद मुल्कों में नहीं बल्कि तमाम दुनिया में बर्पा करना चाहता है अगरचे इब्तदा मुस्लिम पार्टी के अरकान का फर्ज यही है कि जहां जहां वो रहते हों वहां के निजाम हुकूमत पे इंकलाब बरपा करें लेकिन उनकी आखिरी मंजिल मकसूद एक आलमगीर इनकलाब वर्ल्ड रेवोल्यूशन के सिवा कुछ नहीं है कोई इनकलाबी मसलक जो कौमियत के बजाय इंसानियत की फलाह के उसूल लेकर उठा हो अपने इनकलाबी मतमय नजर को कभी एक मुल्क या एक कौम के दायरे में महदूद नहीं कर सकता बल्कि वो अपनी फितरत के ऐन इकजाही से मजबूर है कि आलमगीर इनकलाब को अपना मतमे नजर बनाए हक जगराफी हदूद को कबूल करने से इनकार करता है इसका मुतालबा ये है कि मैं अगर किसी पहाड़ या दरिया के उस पार हक हूं तो इस पार भी हक हूं नौ इंसानी के किसी हिस्से को भी मुझसे महरूम न रहना चाहिए इंसान जहां भी जुल्मितम का और अफरातो तफरीद का तख्त मश्क बना हुआ है वहां उसकी मदद के लिए पहुंचना मेरा फर्ज है इसी तखय को कुरान इन अल्फाज में बयान करता है तुम्हे क्या हो गया है कि तुम खुदा की राह में उन मर्दों औरतों और बच्चों के लिए नहीं लड़ते जिन्हें कमजोर पाकर दबा लिया गया है और जो दुआएं मांगते हैं कि खुदाया हमें इस बस्ती से निकाल जिसके कार फरमा ालिम है अलावा बनी कौमी और मुल्की तकसीमत के बावजूद इंसानी ताल्लुका रबित कुछ ऐसी आलमगीरी अपने अंदर रखते हैं कि कोई एक ममलकत अपने असूल व मसलक के मुताबिक पूरी तरह अमल नहीं कर सकती जब तक के हमसाया ममालिक में भी वही असूल मसल रायज न हो जाए लिहाजा मुस्लिम पार्टी के लिए इसलाहमूमी और तहफ खुदी दोनों की खातिर ये नागजीर है कि किसी एक खत्े में इस्लामी निजाम की हुकूमत कायम करने पर इक्तफा न करे बल्कि जहां तक उसकी कवत साथ दें इस निजाम को तमाम अतराफ में वसी करने की कोशिश करे और एक तरफ से अपने अफकार नजरियात को दुनिया में फैलाएगी और तमाम ममालिक के बाशिंदों को दावत देगी कि इस मसल को कबूल करें जिसमें उनके लिए हकीकी फलाह मुजमिर है दूसरी तरफ अगर इसमें ताकत होगी तो वह लड़कर गैर इस्लामी हुकूमतों को मिटा देगी और इनकी जगह इस्लामी हुकूमत कायम करेगी यही पॉलिसी थी जिस पर रसूल सल्हसम ने और आपके बाद खलफ राशिदीन ने अमल किया अरब जहां मुस्लिम पार्टी पैदा हुई थी सबसे पहले इसी को इस्लामी हुकूमत किया गया इसके बाद रसूल सलाम ने अतराफ के ममालिक को अपने ममालिकसूल मसलक की तरफ दावत दी फिर जब उन्होंने वाज तौर पर इनकार कर दिया तो उनके खिलाफ जंगी कार्रवाई का, का तहिया कर लिया गजब तबूक इसी सिलसिले की इब्तदा थी आजरत सब हजरत यबू बकर रद्ला पार्टी के लीडर हुए तो उन्होंने रूम और ईरान दोनों की गैर इस्लामी हुकूमतों पर हमला किया फिर हजरत योमर रदी अल्लाह ने इस हमले को कामयाबी के आखिरी मराहल तक पहुंचा दिया मिस्र शाम और रूम ईरान और के अवाम अव्वल अव्वल इसको अरब कौम की इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी समझते उन्होंने ख्याल किया कि जिस तरह पहले एक कौम दूसरी कौम को गुलाम बनाने के लिए निकला करती थी इसी तरह अब भी एक कौम इसी गरज के लिए निकली है इस गलतफहमी की बिना पर लोग कैसरो किसरा के झंडे तले मुसलमानों से लड़ने के लिए निकले मगर जब इन पर मुस्लिम पार्टी के इनकलाबी मसलक का हाल खुला और जब इन्हें मालूम हुआ कि ये जफाकाराना कौम परस्ती एग्रेसिव नेशनलिज्म के अलमबरदार नहीं है बल्कि कौमी अगराज से पाक हैं और महज एक आदिलाना निजाम कायम करने आए हैं और इनका मकसद दरहकीकत इन जालिम तबकों की खुदाबंदी को खत्म करना है जो कैसरीयत और किसरवियत की पनाह में हमको तबाह बर्बाद कर रहे हैं, तो इनकी अखलाकी हमदर्दियां मुस्लिम पार्टी की तरफ हो गईं, वो कैसरों किसरा के झंडे से अलग होते चले गए और अगर मारे बांधे फौज में भर्ती होकर लड़ने आए भी तो बेदिली से लड़े यही सबब है कि हैरत अंगेज फतूहत का जो इब्तदाई दौर में मुसलमानों को हासिल हुई और यही सबब है इसका कि इस्लामी हुकूमत कायम होने के बाद जब इन ममालिक के बाशिंदों ने इस्लामी निज़ाम इज्तमाही को अमलन काम करते हुए देखा तो वो खुद इस बैन अवी पार्टी में शरीक होते चले गए और खुद इस मसलक के अलंबरदार बनकर आगे बढ़े ताकि दूसरे मुल्कों में भी इसको फैला दे जारहाना और मुदाफियाना की तकसीम गैर मुत्ल है ये जो कुछ बयान किया गया है इस पर जब आप गौर करेंगे तो ये बात बा आपकी समझ में आ जाएगी कि जंग की जो तकसीम जारहाना एग्रेसिव और मुदाफाना डिफेंसिव की असलाहों में की गई है इसका इतलाक सिरे से इस्लामी जिहाद पर होता ही नहीं है यह तकसीम सिर्फ कौमी और मुल्क की लड़ाईओं पर ही मुंतबिक हो सकती है क्योंकि असतलाहन हमला और मुदाफियत के अल्फाज एक मुल्क या एक कौम की निस्बत ही से बोले जा सकते हैं मगर जब एक बैन अमी पार्टी एक जहानी नजरिया व मसलक को लेकर उठे और तमाम कौमों को इंसानी हैसियत से इस मसलक की तरफ बुलाए और हर कौम के आदमियों को मसावियाना हैसियत से पार्टी में शामिल करे और महज मसल के मुखालिफ की हुकूमत को मिटाकर अपने मसल की हुकूमत कायम करने के लिए जुद्दजोहद न करे तो ऐसी हालत में असलाही हमला और असलाही मुदाफियात का कतअअ अं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता बल्कि अगर असतलाह से कत नजर कर ली जाए तो तब भी इस्लामी जिहाद पर जारहाना और मुदाफियाना की तकसीमतब नहीं होती इस्लामी जिहाद बैक वक्त जारहाना भी है और मुदाफाना भी जारहाना इसलिए कि मुस्लिम पार्टी मसल के मुखालिफ की हुक्मरानी पर हमला करती है और मुदाफियाना इसलिए कि खुद अपने मसलक पर आमिल होने के लिए हुकूमत की ताकत हासिल करने पर मजबूर है पार्टी होने की हैसियत से इसका कोई घर नहीं है कि वह उसकी मुदाफियत करे इसके पास महज अपने उसूल हैं जिनकी वो हिमायत करती है इसी तरह मुखालिफ पार्टी के भी घर पर वो हमला नहीं करती बल्कि इसके उसूलों पर हमला करती है और इस हमला का मुद्दा ये नहीं है कि इससे जबरदस्ती उसके उसूल छुड़ाए जाए बल्कि मुद्दा सिर्फ ये है कि इसके उसूलों से हुकूमत की ताकत छीन ली जाए जिम्मियों की हैसियत यहीं से ये सवाल भी हल हो जाता है कि किसी मुल्क पर इस्लामी निजाम की हुकूमत कायम हो जाने की सूरत में इन लोगों की क्या हैसियत होगी जो किसी दूसरे अकीदा और मसलक के मुतबे हों इस्लाम के जहाद लोगों के अकीदा व मसलक और इनके तरीके इबादत या कवानी मुआशर से तारज नहीं करता वो इनको पूरी आजादी देता है कि जिस अकीदा पर चाहे कायम रहें और जिस मसलक पर चाहे चलें अलबत् वो इनके इस हक को तस्लीम करने से इनकार करता है कि इनकी खातिर किसी ऐसे तरीके पर हुकूमत का निजाम चलाया जाए जो इस्लाम की निगाह में फासिद है नीज वो इनके इस हक को भी नहीं मानता कि वो मामला के उन तरीकों को इस्लामी निजाम हुकूमत में जारी रखें जो इस्लाम के नजदीक इज्तमाही फलाह के लिए मोहलक है मसलन वो हुकूमत का निजाम हाथ में लेते हुए सूदी कारोबार की तमाम सूरतों को मसदूद कर देगा जुए की हरगिज इजाजत न देगा खरीदो फरोख्त और माली लेन देन की उन तमाम शक्लों को रोक देगा जो इस्लामी कानून में हराम है कहबा खानों और फवाहिश के अड्डों को कुल्लियतन बंद कर देगा गैर मुस्लिम औरतों को सतर के कम से कम हदूद की पाबंदी पर मजबूर करेगा और उन्हें तबर्रज जाहलीत के साथ फिरने से रोक देगा सिनेमा पर एहत कायम करेगा इस किस्म के और बहुत से उमूर है जिनमें एक इस्लामी निजाम हुकूमत न सिर्फ इज्तमाही फलाह बहबूद की खातिर बल्कि खुद अपने तहफ्ज सेल्फ डिफेंस की खातिर भी उन तमदनी मामला की इजाजत न देगा जो गैर मुस्लिमों के मसलक में चाहे जायज होंगे मगर इस्लाम की निगाह में मूजब फसाद हिलात है इस बाब में अगर कोई शख्स इस्लाम पर न रवादारी का इल्जाम आयद करे तो उसे देखना चाहिए कि दुनिया के किसी मसलक ने भी दूसरे मसलक वालों के साथ इतनी रवादारी नहीं बरती जितनी इस्लाम बरतता है दूसरी जगह तो आप देखेंगे कि गैर मसलक वालों के लिए जिंदगी दो भर कर दी जाती है हती कि वो वतन छोड़कर निकल जाने पर मजबूर होते हैं। लेकिन इस्लाम गैर मसलक वालों को पूरे अमन के साथ हर किस्म की तरक्की करने का मौका देता है और इनके साथ ऐसी फैयाजी का बर्ताव करता है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती इम्पीरियलिज्म का शुबा यहां पहुंचकर मुझे भी इस बात का इदा करना चाहिए कि इस्लाम की नजर में जिहाद सिर्फ वही है जो महज फी सबील हो और इस जिहाद के नतीजे में जब इस्लामी हुकूमत कायम हो तो मुसलमानों के लिए यह हरगिज जायज नहीं है कि वो कैसरों किसरा को हटाकर खुद कैसरों किसरा बन जाए मुसलमान इसलिए नहीं लड़ता और मुसलमान होने की हैसियत से नहीं लड़ सकता कि उसकी जती हुकूमत कायम हो जाए और वो खुदा के बंदों को अपना बंदा बना ले और नाजायज तौर पर लोगों की गाड़ी मेहनतों को रुपया वसूल करके अपने लिए जमीन पर जन्नतें बनाने लगे ये जिहाद फी सबी दिल्ला नहीं बल्कि जिहाद फी सबील तागूत है और ऐसी हुकूमत को इस्लाम से कोई वास्ता नहीं इस्लाम का जिहाद तो एक खुश्क और बेमज मेहनत है जिसमें जान माल और ख्वाहिशात नफ्स की कुर्बानी के सिवा और कुछ नहीं है अगर यह जिहाद कामयाब हुआ और नतीजे में हुकूमत मिल जाए तो सच्चे मुसलमान हुक्मरान पर जिम्मेदारियों का इस कदर भारी बोझ आयद हो जाता है कि इस गरीब के लिए तो रातों की नींद और दिन की आसाइश तक हराम हो जाती है मगर इसके मुआवजे में वो हुकूमत और अख्तदार की उन लज्जतों से कोई लज्जत हासिल नहीं कर सकता जिनकी खातिर दुनिया में उमूमन हुकूमत हासिल करने की कोशिश की जाती है इस्लाम का फरमा रवा न तो रैयत के आम अफरा से मुमताज़ कोई बालातर हस्ती है न आज़मत और रफात के तख्त पर वो बैठ सकता है न अपने आगे किसी से गर्दन झुकवा सकता है न कानून शरीयत के खिलाफ एक पत्ता हिला सकता है न उसे इख्तियार हासिल है कि अपने किसी अजीज या दोस्त या खुद अपनी ज़ात को किसी अदना से अदना हस्ती के जायज मुतालबे से बचा सके न वो हक के खिलाफ एक हब्बा ले सकता है और न एक चप्पा भर जमीन पर कब्जा कर सकता है एक मुतवस दर्जे के मुसलमान को जिंदगी बसर करने के लिए जितनी तनख्वाह काफी हो सकती है इससे ज्यादा बैतुल माल से एक पाई लेना भी उसके लिए हराम है वो गरीब न आलिशान कसर बनवा सकता है न खदम हशम रख सकता है न ऐश इशरत के सामान फ़राहम कर सकता है इस पर हर वक्त यह खौफ गालिब रहता है कि एक दिन इसके अमाल का सख्त हिसाब दिया जाएगा और अगर हराम का एक पैसा जबर से ली हुई जमीन का एक चप्पा तकबर वौनीयत का एक शम बे इंसाफी का एक धब्बा और ख्वाहिशा नफसानी की बंदगी का एक शायबा भी उसके हिसाब में निकल आया तो उसे सख्त सजा भुगतनी पड़ेगी अगर कोई शख्स हकीकत में दुनिया का लालची हो तो इससे बड़ा कोई बेवकूफ न होगा अगर वो इस्लामी कानून के मुताबिक हुकूमत का बार संभालने पर आमादा हो क्योंकि इस्लामी हुकूमत के फरमा रवा से तो बाजार के एक मामूली दुकानदार की पोजीशन ज्यादा अच्छी होती है वो तो खलीफा से ज्यादा कमाता है और रात को फैला कर सोता है खलीफा बेचारे को न इनके बराबर आमदनी नसीब और न रात को चैन से सोना नसीब ये बुनियादी फर्क है इस्लामी हुकूमत और गैर इस्लामी हुकूमत का गैर इस्लामी हुकूमत में हुक्मरान गिरोह अपनी खुदाबंदी कायम करता है और अपनी ज़ात के लिए मुल्क के वसायलो जरा इस्तेमाल करता है बखिलाफ इसके इस्लामी हुकूमत में हुक्मरान गिरोह मुजरत खिदमत करता है और आम बाशिंदों से बढ़कर अपनी जात के लिए कुछ हासिल करना नहीं चाहता इस्लामी हुकूमत की सिविल सर्विस को जो तनख्वाहें मिलती थी इनका तकाबुल आजकल कल या खुद इस दौर की इम्पीरियलिस्ट ताकतों की सिविल सर्विस के मुशायरों से करके देखिए आपको मालूम हो जाएगा के इस्लाम की जहां कुशाई और इंपीरियलिज्म की आलमगीरी में हुरूही और जौहरी फर्क है इस्लामी हुकूमत में खुरासान इराक शाम और मिस्र के गवर्नरों की तनख्वाहें आपके मामूली इंस्पेक्टरों की तनख्वाहों से भी कम थी खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रद्ह तहों की तनख्वाह डेढ़ सौ रुपये से ज्यादा न थी दरा हाल के बैतलमाल दुनिया के दो अजीम शान सल्तनतों के खजानों से भरपूर हो रहा था अगरचे जाहिर में इम्पीरियलिज्म भी मुल्क फताह करना है और इस्लाम भी मगर दोनों के जौहर में जमीन व आसमान का फर्क है परवाज है दोनों की इसी एक फजा में करगस का जहां और है शाही का जहां और है। ये है इस जहाज की हकीकत जिसके मुतालिक आप बहुत कुछ सुनते रहे हैं। अब अगर आप मुझसे दरियाफ्त करें कि आज इस्लाम और मुस्लिम जमात और जिहाद का वो तस्वर जो तुम पेश कर रहे हो कहा गायब हो गया और क्यों दुनिया भर के मुसलमानों में कहीं भी उसका शायबा तक नहीं पाया जाता तो मैं अर्ज करूंगा कि ये सवाल मुझसे ना कीजिए बल्कि उन लोगों से कीजिए जिन्होंने मुसलमानों की, जिन की तवज्जो उनके असल मिशन से हटाकर तावीज गंडों और अमलियात और मुराकबों और रियाजतों की तरफ फेर दी है जिन्होंने नजात और फलाह और हसूल मकासद के लिए शॉर्ट कट तजवीज किए ताकि मुजाहिदे और जानफिशानी के बगैर सब कुछ तस्वीर फिराने या किसी साहिब कब्र की अनायात हासिल करने ही से मुजसर आ जाए जिन्होंने इस्लाम की कुलियात और असूलो मकासद को लपेट कर तारी गोशों में फेंक दिया और मुसलमानों के जहन को आमीन बिलजहर और रफुल जदय और व वजारत कबूर और इसी किस्म की बेशुमार जुजियात की बहसों में ऐसा फंसाया कि वो अपने आप को और अपने मकसद तखलीक को और इस्लाम की हकीकत को कतई भूल गए अगर इससे भी आपकी तशफी न हो तो फिर ये सवाल उन उमरा और अहकामो असहाब इकतदार के सामने पेश कीजिए जो कुरान और मोहम्मद सल्ला वसलम पर ईमान लाने का दावा तो करते हैं मगर कुरान के कानून और मोहम्मद सल्ला की हिदायत का इससे ज्यादा कोई हक अपने ऊपर तस्लीम नहीं करते कि कभी खत्म कुरान करा दें और कभी ईद मिलाद के जल से करा दें रहा इस कानून और हिदायत का अमला नाफि करना तो ये हजरात अपने आप को इससे बड़ी जिम्मा समझते हैं क्योंकि दर इनका नफ्स इन पाबंदियों को कबूल करने और इन जिम्मेदारियों का बोझ संभालने के लिए हरगिज तैयार नहीं है जो इस्लाम उन पर आयद करता है ये बड़ी सस्ती नजात के तालिब है